नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। श्री राम मंडल सेवा संस्थान द्वारा होली के विशेष पावन पर्व पर हर साल की भांति इस बार भी मारवाड़ और शेखावटी के कलाकारों ने चंग पर सुंदरकांड की चौपाइयों और फाग महोत्सव के भगवान के भजनों पर आजाद नगर के जी सेक्टर में स्वाध्याय भवन के पास रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता के नेतृत्व में रात 8 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में भगवान श्री राम दरबार के आगे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। देर रात चले इस प्रोग्राम में श्रोता भाव विभोर हो गए। भक्तों ने ठाकुर जी के संग फूलों से होली खेलकर कार्यक्रम का आनंद लिया। आयोजक राधेश्याम खेतान ने बताया कि चंगवादन बनवारी माली, राजपाल ढाका, कैलाश शर्मा, लक्ष्मण सिंह शेखावत, अनिल तिवारी, राम कुमार शर्मा, जगदीश जाट और गायन में मंगलचंद मिश्रा, सत्यनारायण सैनी, रमेश सिंधी, पंकज पंचोली, बनवारी सैनी, कमल चोटिया कलाकारों ने भजन गाकर माहौल को भाव विभोर कर दिया। होली के धमाल की प्रस्तुति की गई। होली पर डांस के साथ सॉन्ग बनकर दिलीप सोनी, सुखदेव पारिक, विजेंद्र शर्मा आदि कलाकारों ने लोगों का मन मोह लिया। पाठ व्यवस्था में सुभाष शर्मा, मुकेश वर्मा का सहयोग रहा। अंत में आरती के बाद खेतान परिवार के पवन खेतान ने सभी का आभार व्यक्त किया। शीतला तक श्री राम मंडल सेवा संस्थान द्वारा होली के कार्यक्रम राजस्थानी संस्कृति वेशभूषा में चलते रहेंगे। भीलवाड़ा में जब हम मारवाड़ी और शेखावटी लोग आए, जब भीलवाड़ा स्पिनर्स और BSL जैसे लक्ष्मीलाल जी झुंझुनवाला में भीलवाड़ा में जब प्रवेश किया, तब वहाँ के लोग यहाँ आके रहने लगे। तब हमारे मारवाड़ और शेखावटी में होली पर ये बसंत पंचमी के दिन से शुरू होकर धुलंडी तक की ये परंपरा है कि होली का छंग बजने की। तो जो हमारे मित्र और मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, उन लोगों ने हमने सबने मिलकर गांधीनगर में शुरुआत में इस छंग बजाने का कार्यक्रम शुरुआत किया। उसके बाद तो बहुत से बाहर के लोग आ गए और हमारी काफ़ी मंडलियाँ इस कार्यक्रम को कर रही है भीलवाड़ा में। करीब हम 1976 से भीलवाड़ा में ये छंग बजा रहे हैं और हमारे साथी कुछ पुराने बुजुर्ग हो गए, नए साथी तैयार होते रहते हैं, नए कलाकार तैयार होते रहते हैं, इसलिए हमारे भीलवाड़ा में ये छंग की परंपरा है जो होली पर बराबर जारी रहती है। 1994 में फिर हमने एक श्री राम मंडल सेवा संस्थान बनाया, उसके तत्वाधान में हमने सुंदरकांड पाठ शुरू किया। जो होली होली सुंदरकांड का जो पाठ है, जो छंग की विशेष चौपाइयों पर हम सुंदरकांड पाठ करते हैं और साथ में होली के जो भगवान के गीत है वो भी गाते हैं। इसको भीलवाड़ा के लोग और बाहर से आए हुए लोग भी बहुत प्रसन्न मतलब इसको बहुत प्रसन्नता से देखते हैं और बहुत खुशी अपने आप में जाहिर करते हैं कि ये एक अनूठी मिसाल मारवाड़ की और शेखावटी की आज तक इन लोगों ने कलाकारों ने कायम कर रखी है। मेरे मित्र जो छंग वादन करते हैं, श्रीमान बनवारी जी माली, राजपाल जी जाट, लक्ष्मण सिंह जी शेखावत और ये प्रहलाद जी शर्मा, राम कुमार जी शर्मा और जगदीश जाट, अनिल जी तिवारी वगैरह, ये जो मेरे मित्र हैं, ये सब संग बजाने में मास्टर है। ये एक नंबर के कलाकार है भीलवाड़ा में। जब भी हमारी श्री राम मंडल सेवा संस्थान का कार्यक्रम होता है, उसमें ये लोग 4 चांद लगा लेते हैं। मैं इनके साथ मिलकर ही ये कार्यक्रम करा पाता हूँ। ये मेरे दोनों चारों पांचों जो भी है सब मेरे, ये मेरे हाथ है, इनके बिगैर मैं इस कार्यक्रम को नहीं कर सकता। और आज का जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत सुंदर आपके सामने प्रस्तुत किया। और श्री राम मंडल सेवा संस्थान अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता, जय श्री राम।
मुस्कान फाउंडेशन के तत्वावधान में सिंधुनगर में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अमृत संस्थान से जुड़ी स्वीटी रामनानी ने बताया कि हर वर्ष फरवरी माह में संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में रविवार को सिंधुनगर स्थित बहरवानी धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के साथ ही महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आज भरवानी धर्मशाला में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर 155 से ज़्यादा ब्लड डोनेट हो चुका है और युवाओं की बहुत भागीदारी अच्छी सराहनीय रही है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और इसी तरह से अगर युवाओं में जोश रहा तो आगे और भी हम ऑर्गेनाइज हर साल फरवरी के अंत में इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं अमृत संस्थान की तरफ से स्वीटी रामनानी बात कर रही हूँ। संस्थान और मुस्कान फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप बहरवानी धर्मशाला सिंधुनगर में रखा गया था। आज तकरीबन 155 से ज़्यादा ब्लड यूनिट इकट्ठे हो चुके हैं, जहाँ पे ये सरल ब्लड डोनेशन सरल ब्लड बैंक उदयपुर से आई है टीम जो इकट्ठे कर रही है, जो रामस्नेही चिकित्सालय महात्मा गांधी हॉस्पिटल और अरिहंत हॉस्पिटल से इनका लिंक है, वो वहीं पर डोनेशन करते रहते हैं ये यूनिट्स। और जब भी हम यहाँ पे कैंप रखते हैं ब्लड डोनेशन का, तो यहाँ पे बढ़ चढ़ के युवाओं की हिस्सेदारी रहती है। आज भी 90% से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और 155 यूनिट इकट्ठे हो चुके हैं, जो 200 यूनिट तक क्रॉस कर जाएगा। आज की उम्मीद तो यही है इतने ब्लड यूनिट्स इकट्ठे होने की। मैं किशोर इसरानी, मुस्कान फाउंडेशन से। प्रताप युवा शक्ति के सानिध्य में रविवार को कुंभा सर्किल स्थित महाराणा कुंभा ट्रस्ट में अष्टम विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खड़ेश्वर महाराज की हार्दिक श्रद्धांजलि व पुष्पेंद्र सिंह खेराबाद की अष्टम पुण्यतिथि पर युवा प्रताप शक्ति के द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में संतों का सानिध्य रहा। प्रताप युवा शक्ति प्रदेश उपाध्यक्ष कान सिंह खाड़ा ने बताया कि 8वां रक्तदान शिविर है। इस बार रक्तदान शिविर बहुत खास है क्योंकि खड़ेश्वर महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्तदान कर रहे हैं। पहले साल 1100 यूनिट रक्तदान हुआ था, इस बार उससे भी अधिक रक्तदान होगा। रक्तदान शिविर में प्रताप युवा शक्ति की टीम पूरी लगी हुई है। जो भी रक्तदाता है उसके तुलसी का पौधा मोमेंटो दिया। पहली बार रक्तदान करने आई महिला शिवा जॉन ने कहा कि रक्त देना बहुत खास है, दूसरे की जान बचा सके। आज रक्तदान शिविर में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। मेरा पूरा परिवार रक्तदान करने आया है। 4 हॉस्पिटलों ने रक्तदान शिविर में सहयोग किया। 8वां विशाल रक्तदान शिविर है। इस बार का रक्तदान शिविर बहुत मायनों में खास है। इस बार का रक्तदान शिविर जो है खड़ेश्वर जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी रक्तदाता इस यज्ञ में अपना रक्तदान अर्पित करेंगे। जैसा कि आपने पूछा टारगेट का हम कभी रखते नहीं है, हम मेहनत करते हैं। हमारे सभी साथी प्रताप युवा शक्ति की पूरी टीम अपना जितनी भी शक्ति होती है उस शक्ति को लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कराने की कोशिश करते हैं। पिछली बार 1100 यूनिट करीब हुआ था, और इस बार आशा है और भगवान का विश्वास है कि इस बार उससे भी ज़्यादा हम रक्तदान कर पाएंगे। खड़ेश्वर जी महाराज का हमने श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया है, इसलिए भीलवाड़ा से हम इस बार सभी संत महात्माओं का पंचमुखी बालाजी जी से महाराज, अपने निम्बार्क आश्रम जी से महाराज, बाबूगिरी जी महाराज, काठियावाड़ी बाबा जी महाराज, संत वास जी महाराज और सभी लाल बाबा महाराज, सभी महाराजों का जो भीलवाड़ा में विराजमान है सभी को निमंत्रण किया और सभी यहाँ पधारे हैं अभी। और इस बार हम रक्तदान के साथ साथ जो भी रक्तदाता हैं उनको तुलसी का पौधा भी दे रहे हैं, तो वो उनके तुलसी का पौधा भी अपने घर में लगाए और नई ऊर्जा का संचार करें। और हम ये चाहेंगे कि सब रक्तदाता स्वस्थ रहें, खुश रहें और सभी संतों का हम स्वागत करते हैं। इसलिए रक्तदान शिविर हमारे इस महीने में बहुत खास है और हम आशा है भगवान का विश्वास है अधिक से अधिक संख्या में इस बार रक्तदान होगा। कांस्य खारड़ा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप युवा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. #MultiCuisineFamilyRestaurant,
इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की, अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, फिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर फिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर जीएल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद फिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर फिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, परामर्श डॉक्टर एस एन नुवाल सुहाशकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के भिलवाड़ा चैप्टर सदस्यों ने इंटेक चेयरमैन व गवर्निंग काउंसिल मेंबर चुनाव के लिए मतदान किए। इंटेक के चैप्टर कन्वीनर बाबूलाल जाचू ने बताया कि मतदान के पश्चात सभी मत पत्र सील बनकर नई दिल्ली हेड ऑफिस भिजवाए गए, जहां देश भर से आने वाले मतों की गिनती की जाएगी और उसके बाद गवर्निंग काउंसिल के नए सदस्यों की घोषणा की जाएगी। जाजू ने बताया कि होटल नंदनी में प्रातः 11:30 बजे हुए मतदान में कन्वीनर बाबूलाल जाजू, को कन्वीनर श्याम सुंदर जोशी, गुमान सिंह पिपाड़ा, दिलीप गोयल, ओम प्रकाश हिंगड़, गोपाल नारायणीवाल, दिनेश अरोड़ा, राजकुमार भूलिया, आर एल दरगढ़, संदीप पोरवाल, मुकेश अजमेरा, विद्यासागर सोना, ओम सोनी, बिलेश्वर डार, सुधीर भूलिया, भगवान सिंह, सुरेश सुरणा, कोरी शंकर सांखला, हरकलाल विष्णोई, राकेश बम सहित अन्य सदस्यों ने मतदान कर विचार व्यक्त किए। जाजू ने बताया कि इंटेक सदस्यों द्वारा विश्व गोरैया दिवस व विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया। रविवार को श्री सनातन ब्राह्मण महासभा शाखा भिलवाड़ा द्वारा बापूनगर में फाग उत्सव मनाया गया। सनातन महासभा की जिला अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि फाग उत्सव पर राधा कृष्ण की झांकी बनाई गई, राधा कृष्ण के रूप में सजाया गया, भक्ति रस की गंगा बहे व पुष्पों द्वारा होली खेली गई। प्रदेश संगठन मंत्री पुष्पा शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में रेखा शर्मा, नीतिका चतुर्वेदी, तृप्ति शर्मा, जया ठक्कर, सुनीता ठक्कर, शीला जोशी, आरती अनुभूति सहित कई महिलाओं ने ढोलक पे चंग पर भजन गाकर नृत्य कर आनंद लिया। अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा हूँ और मेरी टीम के द्वारा आज बहुत ही धूमधाम से फागोत्सव मनाया गया, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनीता जी की अनुशंसा में प्रदेश संगठन मंत्री पुष्पा जी के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा फागोत्सव का कार्यक्रम सेलिब्रेट किया गया है और फागोत्सव मनाया गया फूलों की होली के लिए और राधा कृष्ण के बनाए गए हैं। जिले में शाहपुरा ब्लॉक में दौलतपुरा, प्रतापपुरा, राजूराजपुरा, सेवनी, रलायता, राजपुरा गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन डॉक्टर मोहम्मद रफीक, सहायक निर्देशक मूल्यांकन विभाग जयपुर एवं महावीर भाम्बू, अनुसंधान सहायक संभाग मूल्यांकन कार्यालय अजमेर एवं रजत वर्मा, विक्रय अधिकारी भारत पेट्रोलियम अजमेर द्वारा किया गया।
इस दौरान संचालक रामेश्वर लाल सोलंकी, शाहपुरा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स संतोष वर्मा, आस्था भारत गैस वितरक राजेश सोलंकी, वितरक धनु पातेश्वरी भारत गैस उपस्थित रहे। उज्ज्वला योजना महिला लाभार्थी से रिफिल कम भरने के कारण पूछे गए समस्या शिकायत पूछे। इस दौरान लाभार्थियों द्वारा गैस सिलेंडर की कीमत कम करने और सब्सिडी देने का सुझाव दिया। हनुमत धाम ट्रांसपोर्ट नगर भिलवाड़ा में सहकार भारती भिलवाड़ा की ओर से स्वराज 75 के अंतर्गत भारत माता के पूजन किया गया। संत रामायणी द्वारा भारत के गौरवपूर्ण इतिहास पर प्रवचन दिया गया एवं सुंदरकांड पाठ भी हुआ। कार्यक्रम में भिलवाड़ा पीयूष नारायण दादीज, देवकिशन शर्मा, विनिध शर्मा, प्रवीण आचार्य, सहकार भारती के संगठन प्रभारी सुभाष चेचाणी, प्रदेश महामंत्री सुनील सोमानी उपस्थित थे। नगर महामंत्री दुर्गालाल सोनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। फाल्गुन का महीना आते ही प्रकृति में रंगों के प्रति उमंग उल्लास उमड़ जाता है। इस महीने रंगों की फुहार से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। राधे कृष्ण की होली की बात ही बड़ी निराली है। महिलाएं इस अवसर पर फाग पहनकर होली के रसिया के भजन गाती है और नाचती गाती है। इस अवसर पर तिलक नगर के सेक्टर 11 में ऋण मुक्तेश्वर धाम मंदिर में फाग महोत्सव मनाया गया। फाग गीत गाए गए, फूलों से होली खेली गई, एक दूसरे को गुलाल लगाई गई, बच्चों को राधा कृष्ण का रूप धराया गया। राधे कृष्ण के रूप में अनरी भट्ट, गुंजन भट्ट, भाविका मांगर, गौरांशी शिका बनी, लाड देवी, तारा देवी, अंजना दादीज, अलका त्रिपाठी, अनुराज स्थला, मधु भट्ट, पुष्पा जोशी, हेमलता भंडिया, अलका शर्मा, मीनाक्षी ब्रह्म भट्ट, गायत्री शर्मा, जूनू शर्मा, सीमा व्यास, मीनाक्षी बांगड़, रागिनी निरूपाध्याय, अल्पना पाराशर, अलका सारस्वत, आराधना व्यास, कोमल चौबे, रानू शर्मा, ममता शर्मा, जया दादीज, अनेक महिलाएं उपस्थित थी। सवारिया बासा स्थित चतुर्मुखी शिव मंदिर में रविवार को अखंड राम धुनी के साथ शिवरात्रि महोत्सव के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। पंडित ब्रिजेश दादीश ने कहा कि भगवान शिव ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है और शिव ही सहारक है। भगवान शिव की भक्ति करने वालों को आनंद की प्राप्ति होती है। मेला व विकास समिति के अध्यक्ष शंकरलाल बर्तेला ने बताया कि चतुर्मुखी शिव मंदिर में प्रतिवर्ष शिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी 3 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही महाशिवरात्रि मुख्य महोत्सव 28 फरवरी को विशाल भजन संध्या व 1 मार्च को रथ में भगवान भोलेनाथ को विराजमान करके शोभा यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें आसपास के सैकड़ों ग्रामीण भाग लेंगे। शिव साई मंदिर बापूनगर पर बापूनगर सेक्टर 10, 11 व 12 की महिलाओं ने फागोत्सव धूमधाम से मनाया। गुलाल व फूलों से भगवान भोलेनाथ के साथ होली खेली। फाग के गीत पे भजनों की सरिता बहादी। महिलाओं के नृत्यों ने उत्सव में 4 चांद लगा दी। उत्सव में हिमृता वैष्णव, रंजना वैष्णव, मीना सक्सेना, प्रेम शर्मा, पुष्पा सक्सेना, कमलेश कंवर, बेला पाराशर, मुन्नी गोयल, कमला बसेर ने भाग लिया। भारत की स्वतंत्रता के स्वर्णिम 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वराज 75 कार्यक्रम के अंतर्गत भिलवाड़ा साइकिल क्लब और अपना संस्थान द्वारा
स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर जन जागरूकता का संदेश देते हुए एक साइकिल रैली निकाली गई। यह जानकारी देते हुए साइकिल रैली के प्रभारी अरुण मुछाल ने बताया कि रैली को एमएलबी टेक्सटाइल कॉलेज से सुबह 8 बजे प्रिंसिपल डीएन व्यास एवं भिलवाड़ा साइकिल क्लब के संयोजक तिलोक चंद छाबड़ा द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली एमएलबी टेक्सटाइल कॉलेज से शुरू होकर पांसल चौराया, पीएनटी चौराया, बापूनगर, मयूर स्कूल, पन्नाधार सर्किल होते हुए पुनः एमएलबी टेक्सटाइल कॉलेज पर संपन्न हुई। रैली के दौरान स्वच्छता और पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले नारे लगाए गए। साइकिल रैली में विनोद मैलाना, अरुण मुछाल, मदन खटोड़, पंकज मिश्रा, राकेश तिवारी, कनी राजा, मोहन गुरनानी, लीलाराम आडवाणी, निरंजन शर्मा, अतुल शाह, संदीप सोनी, सुरेश बम, प्रकाश लोहिया, वैभव उपाध्याय, प्रहलाद राय अजमेरा, राधेश्याम अजमेरा, ब्रजराज आजी ने भी भाग लिया। नागरिक संस्थान 1730 में जोधपुर के जो महाराजा थे अभय सिंह जी, उनको महल बनाने के लिए, चूना गलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। रेगिस्तान में लकड़ी बहुत कम थी, खेजड़ली गांव था, वहां पेड़ पर्याप्त थे खेजड़ी के, तो उन्होंने वहां अपने एक भंडारी थे, उनको आदेश दिया कि वहां से लाएं। वहां गए तो वहां के समाज के बंधु एकदम पेड़ों का विरोध करने लगे और 3 दिन तक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का साप्ताहिक श्रम साधना केंद्र गत 3 माह से अखंड चल रहा है। गतिविधि के अतिरिक्त अपना संस्थान की पूरी टोली एवं स्थानीय समाज के लोगों के सहयोग से यह अद्भुत कार्यक्रम निरंतर जारी है। रविवार को लुनिया वाली पोस आलरिया रोड बनेड़ा के यहाँ स्थित पशुओं के पानी की वो की सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इस कार्य हेतु मुरली मनोहर व्यास, प्रभाकर पाटोदिया, शांति लक्षकार, बालकृष्ण सुरानी, लोकेश पाटोदिया, सुभाष नवाल, हेमंत सेन, मग्नीराम रेगर, कैलाश तेराशी, सुनील कोठारी का सहयोग रहा। आगामी रविवार को उपखंड कार्यालय बनेड़ा के पास स्थित पशुओं के पानी पीने की पो की सफाई का कार्य किया जाएगा। शिव सेवा समिति परिवार की ओर से शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सुभाष नगर बड़ी पुलिया स्थित शिव मंदिर पर चल रही श्री शिव कथा में रविवार को आचार्य विजय कृष्ण ने कहा कि कथा और गंगा दोनों तारवी हैं। कथा और गंगा दोनों जीव को तारती हैं, इसलिए व्यक्ति को सदा गंगा और कथा की शरण में रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति का मन और शरीर दोनों निर्मल रहे। व्यक्ति कथा सुनकर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से निर्मल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे व्यक्ति गंगा जी में स्नान करके शरीर को पवित्र करता है, उसी प्रकार कथा सुनकर या सत्संग करके व्यक्ति आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से निर्मल रहता है। इसलिए व्यक्ति को निरंतर सत्संग में रहना चाहिए। समिति के अनिल जैन ने बताया कि रविवार को कथा के मुख्य यजमान सांसद सुभाष बहेड़िया, पार्षद धर्मेंद्र पारिक, रतनलाल मंडोवरा, प्रतिभा शर्मा, कन्हैयालाल बिरला, ओम प्रकाश तिवारी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश गाइडलाइन के अनुसार चीला भाजपा के आह्वान पर चीले भर में वार्ड एवं बूथ स्तर पर हजारों कार्यकर्ताओं ने सुना। 86वें संस्करण में पीएम मोदी ने देश की संस्कृति, सभ्यता, धरोहरों एवं भारतीय संगीत व भाषा का जिक्र किया और इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। जिला सह मीडिया प्रभारी अंकुर बोर्दिया ने बताया कि जिला मुख्यालय पर मन की बात का मुख्य कार्यक्रम प्रताप मंडल के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित भाजपा सोशल मीडिया सह संयोजक मीनाक्षी नाथ के निवास पर आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात को विभिन्न माध्यमों से आम जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मन की बात जिला संयोजक विजय हिंगुरानी ने कहा कि इस कार्यक्रम को अब ग्राम पंचायत स्तर तक जोड़ दिया गया है, साथ ही केंद्र की योजनाओं से जिले के आमजन को मिले लाभ एवं विभिन्न वर्गों के उत्थान से जुड़ी जानकारी एवं वीडियो भी जिला मन की बात टीम के माध्यम से केंद्र को भेजी जा सकती है। जिला उपाध्यक्ष कैलाश शंकर एवं प्रहलाद त्रिपाठी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री बाबूलाल टांक ने किया। इस अवसर पर मन की बात के जिला सह संयोजक लादूलाल गुजर, मंडल सह संयोजक अशोक टहिलानी, प्रताप मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह जादौन, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल, जिला प्रवक्ता कैलाश सोमानी, राहुल सोनी, अनुप शर्मा, पुरुषोत्तम बैरवा, उदय सिंह भाटी, पंकज यादव, शंभुलाल वैष्णव, राजेंद्र जैन, माइकल नाथ, सुमित्रा पोरवाल, पार्षद इंदु बंसल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। अणुव्रत का प्रवर्तन भगवान महावीर ने किया, किंतु इसको एक आंदोलन के रूप में आचार्य श्री तुलसी ने सन 1949 1 मार्च को प्रवर्तन किया, जिसको लगभग 73 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और यह आंदोलन 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अणुव्रत स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर
अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वावधान में अनुव्रत समिति भिलवाड़ा द्वारा अनुव्रत काव्य धारा का आयोजन रविवार को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अनुव्रत अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य महाश्रमण के आज्ञानुवर्ती शिष्य शासन हर्षलाल एवं मुनि आनंद कुमार के पावन सानिध्य में जयाचार्य भवन में आयोजित हुआ। अनुव्रत आचार संहिता ही काव्य धारा का मुख्य बिंदु था। कार्यक्रम का शुभारंभ गीत के माध्यम से हुआ, जिसका संगान अनुव्रत समिति की बहनों ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही समिति अध्यक्षा आनंद बाला टोडरवाल ने अध्यक्ष उद्बोधन में सभी कविगण और उपस्थित श्रोताओं का स्वागत किया। तेरापन सभा अध्यक्ष फिरुलाल चौरड़िया माचार्य भिक्षु सेवा संस्थान के अध्यक्ष दिनेश काठेड़ ने अपने विचार व्यक्त की। काव्य धारा में शहर के जाने माने कविगण उपस्थित थे। पुर से पधारे कवि संजय बोरदिया ने आचार संहिता के संपूर्ण बिंदुओं पर अपनी कविता प्रस्तुत की। शीला टेलर ने कन्या भ्रूण की पुकार शीर्षक पर अपनी प्रस्तुति। डॉक्टर कमला कांत शर्मा ने मानवता को मारवाड़ी भाषा में व्यक्त किया। जयप्रकाश भाटिया ने कविता के माध्यम से अनुवृत्ति बनने का आह्वान किया। डॉक्टर राजमती सुराना ने काव्य पाठ किया। अर्पिता दादीश ने नशा मुक्ति पर कविता पेश की तो सामाजिक कुरीतियों पर रेखा लोढ़ा ने कविता के माध्यम से प्रकाश डाला। कवित्री किरण आगाल ने पर्यावरण, कवि ओम उज्ज्वल ने नारी उत्पीड़न और साहित्यांचल के संपादक एवं कपि सत्यनारायण व्यास मधु ने मानवीय एकता पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान समिति सदस्य अशोक बापना ने अनुव्रत आंदोलन प्रवर्तक आचार्य तुलसी का परिचय कविता के माध्यम से दिया। स्वाध्याय चांदमल सूर्या एवं वर्षा बापना ने अनुव्रत विषय पर अपनी प्रस्तुति दी। मीडिया प्रभारी अमिता बाबेल ने बताया कि मुनिश्री आनंद कुमार ने काव्य पाठ के माध्यम से अनुव्रत आंदोलन की विशेषता व्यक्त की और साथ ही शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा के स्वस्थ की मंगल कामना की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।